राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिन्होंने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुनाल और आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो साथियों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात करेंगे जो कि हर एक नागरिक को जानना बहुत जरूरी है और आज तक आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। साथियों, अगर इस जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर इस जिंदगी में कुछ क्रांतिकारी करना चाहते हो, वो पाना चाहते हो कि जो आपने आज तक नहीं पाया, आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। साथियों, सालों से योजनाबद्ध तरीकों से हमारे दिमाग में बहुत सारी धारणाएं ठोक दी गई है। यहाँ तक कि मैं भी कुछ समय पहले उन धारणाओं का शिकार हो गया था और एक समय खुद को औसत मानने लगा था। मैं नहीं जानता कि उन धारणाओं को हमारे दिमाग में डालने की योजना किसने बनाई, लेकिन जिसने भी बनाई वो चाहता था कि हर गरीब गरीब ही रहे। वो चाहता था कि दुनिया में लोग बड़े सपने ना देखें। वो चाहता था कि दुनिया में सिर्फ कुछ लोग बड़े बने, बाकी सब औसत बने रहे। आज मैं जो धारणा आपको कहने जा रहा हूँ, जो हमारे रोम रोम में नस नस में भर गई है, कुछ समाज ने भरा, कुछ परिवार ने भरा और कुछ आसपास के लोगों ने भरा, कुछ यारों ने भरा और सब ने मिलके हमें औसत बना दी। जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, धारणा हमको रिस्क लेने से रोकती रही, इस धारणा ने हमको डरा दिया। हर कोई कहता है जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, सोच समझ कर करो। अरे क्या सोचे, यदि चादर के जितना ही पैर फैलाना होता तो ऊपर वाला यहाँ पे MRP लगा के बेचता, एक भी कमाल नहीं होता इस दुनिया में। 16 साल की मलाला नोबेल पुरस्कार पा सकती। भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार, जो कि एक बस कंडक्टर के घर में पैदा हुए, बहुत गरीबी में पैदा हुए और आज किस मुकाम की कामयाबी उन्होंने हासिल की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, न जाने कितनी परेशानियों का सामना किया, तब जाके वो एक भारत के बहुत ही अद्भुत कलाकारों में से एक। क्या बात करते हो चादर की, एक महान नाम महेंद्र सिंह धोनी, जिनके पास समय बिल्कुल नहीं था, टिकट कलेक्टर का काम किया, TC का काम किया शुरुआती दिनों में, उनके पास पैसे नहीं थे, बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया, टाइम नहीं था, फिर भी क्रिकेट की प्रैक्टिस की, खून पसीना एक करा और आखिर में बहुत नाम बनाया, महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड बनाया और एक बहुत बड़े क्रिकेटर बने। एक महान कलाकार रजनीकांत, बस कंडक्टर का काम किया करते थे शुरुआती दिनों में। अरे क्या बात करते हैं आप चादर की। हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि बड़े सपने देखो, रिस्क लो, आगे बढ़ो, असफल हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अफसोस, हमारे दिमाग में असफलता का भय भर दिया, इसीलिए चादर 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 नजर आने लग गई। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगले 10 साल के लिए सबसे बड़ा सपना सोचिए। वो व्यक्ति जिसने आपको औसत होने का ठप्पा लगाया है उसे इग्नोर कीजिए, उसे नजरअंदाज। कितने बार किसी के कहने पर आपने कई काम छोड़ दिए, तो मन कर रहा था कि वो मैं करूं, उस वक्त अगर आपको कोई हिम्मत दे देता तो आप उसे कर लेते। लेकिन कुछ लोगों ने आपको डरा दिया, कुछ लोगों ने आपको बहुत सारे बाधाएं बता दी, कुछ लोगों ने आपको बहुत सारे चैलेंजेस बता दिए, कुछ लोगों ने आपको ऐसे ऐसे नाम बता दिए जो कि वही करते हुए असफल हुए हैं और आप उससे बहुत घबरा गए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि सलाह लेना बंद करो, और सलाह लेना भी है ना तो उन लोगों से लो जिन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की है, जिन्होंने पसीना बहाया है, जिन्होंने खून बहाया है, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, उन्हीं लोगों से सलाह लेना। और गलती से भी उन लोगों से सलाह मत लेना जो नाकामयाब हुए हैं और बस तुम्हें डराने के लिए बैठे। औसत लोगों की सलाह लेके अपने बड़े बड़े सपनों का मर्डर मत करो। अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो यहाँ सीने में ठान लो कि मैं जब भी सुनूंगा किसी अचीवर की सुनूंगा, मैं जब भी सुनूंगा एक ऐसी इंसान की सुनूंगा जिन्होंने बहुत सारे धक्के खाए हैं, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। यदि ऐसे लोग आसपास ना मिले तो मैं दूर जाके उन्हें सुनूंगा, अगर दूर भी ना मिले तो उन्हें किताबों में ढूंढूंगा, लेकिन सुनूंगा तो सिर्फ उन्हीं लोगों। कुछ भी करना लेकिन इस जिंदगी को औसत लोगों से सलाह मशवरा करके उन्हें खत्म मत करना। यदि किसी को मेरी बातों का बुरा लगा तो मैं उसे दिल से माफी मांगता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई बारूद का ट्रक भी अपने आप फटने की
औकात नहीं रखता, उसे भी एक चिंगारी की जरूरत होती है। उसी तरीके से मैं लाखों करोड़ों लोगों के लिए, प्रशंसकों के लिए, जो देखने वाले उन लोगों के लिए मैं एक चिंगारी बनना चाहता हूँ और उन्हें एक विस्फोटक बनाना चाहता हूँ, और वो अपनी जिंदगी में ऐसा काम करे कि उन्हें खुद के पैदा होने पे गर्व हो, उनके माँ बाप को उनके पैदा होने पे गर्व हो, उनके परिवार को, उनके समाज को उसके पैदा होने पे गर्व हो। आज इस वीडियो को देखने के बाद एकांत में चले जाना और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार इस वीडियो को सुनना और सोचना कि क्या मैं सच्ची में बड़ा बनना चाहता हूँ, क्या मैं जिंदगी में सच्ची में कुछ अलग करना चाहता हूँ, क्या मैं सच्ची में एक विस्फोटक बनना चाहता हूँ, क्या वाकई में मैं एक हस्ती बनना चाहता हूँ, क्या वाकई में मैं कुछ पाना चाहता हूँ, क्या वाकई में मैं कुछ करना चाहता हूँ, या फिर उस भीड़ की तरह मरना चाहता हूँ, या जीवन में कुछ हासिल करके जाना चाहता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन रहा है, भगवान उसे बहुत ऊंचाई दे, बहुत अच्छी चीज़ें वो हासिल करे, बहुत मुकाम पे वो जाए और कामयाबी हासिल। अगर आपके पास ये वीडियो किसी भी माध्यम से आई होगी, अगर आपको लगता है कि आपकी तरह दूसरे के भी जीवन में आपकी तरह परिवर्तन आ जाए, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और जाते जाते आपको एक लाइन सुनाना चाहूँगा कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी मुश्किलें होंगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी मुश्किलें होंगी, और जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी, जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है, पक्का यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ साथ आज हमारा 1000 लोगों का परिवार आपके सपोर्ट के वजह से, आपके प्यार के वजह से हमारा 1000 लोगों का परिवार बन चुका है, तो इसी के लिए आपको शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार करने के लिए, बहुत सपोर्ट देने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो, क्योंकि आप मेरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सको, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उस घंटी के वजह से आप मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसे मिस नहीं करोगे। ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप कॉल कर सकते हो, नीचे मेरा ईमेल आईडी दिया, आप मेल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, गुड बाय दोस्तों।